Hello friends and welcome back to the channel. So guys, in today's video we are going to play Block Mango. और guys, आज Block Mango में मैं compare करने वाला हूँ event mode को और rank mode को. तो आप बहुत सारे लोग rank mode खेल रहे होंगे या फिर event mode खेलते होंगे. comment में बताओ आपको कौन सा mode पसंद है. तो आज मैं इन दोनों mode को compare करने वाला हूँ और देखूंगा कि मुझे मतलब कौन सा मोड अच्छा है. तो सबसे पहले इवेंट मोड. तो इवेंट मोड अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था. और फिर इधर टास्क लेके हम लोग टास्क लेके करके रिवॉर्ड्स क्लेम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये किल ब्रॉडकास्ट, फिर ये किलिंग इफेक्ट, स्टैचू और नए रन भी ले सकते हैं फ्री के, और सोल स्टोन भी, जिससे आप लोग टैलेंट भी बढ़ा सकते हो. तो अभी रैंक मोड में हम लोग गेम खेलेंगे और हमको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि आर्मर होता है. और इसमें हम लोग टैलेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रन्स भी यूज़ कर सकते हैं और पेट्स की एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हम लोग वो इवेंट मोड में नहीं कर सकते. हम इवेंट मोड पे बस हमारा नॉर्मल लीचिंग रन्स ही यूज़ कर सकते हैं. लीचिंग रन नहीं, मतलब जो भी रन आपको चाहिए जिससे कि बस हीलिंग और प्रोटेक्ट मिलेगी. और इसमें इतनी मज़ा भी नहीं आती क्योंकि अभी आप सब लोगों को रैंक या फिर टैलेंट से आदत हो गई होगी इवेंट रैंक मोड खेलने की. तो इवेंट मोड जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था तब तो मैं बहुत जल्दी आउट हो रहा था क्योंकि मुझे आदत हो गई है अभी फ्लेम वगैरह या टैलेंट से खेलने के लिए. इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा तो रैंक ही खेलना. लेकिन मैं इवेंट मोड कभी कभी खेल लेता हूँ क्योंकि मुझे वो रिवॉर्ड्स भी क्लेम करने होते हैं, जैसे कि उधर मिलते हैं किलिंग इफेक्ट, किल ब्रॉडकास्ट और फिर हमारा सोल स्टोन. मुझे ये भी थोड़ा और बढ़ाना है, तीन और चाहिए मुझे सोल स्टोन मैक्स करने के लिए. तो सोच रहा हूँ थंडर को कर लूँ मैं. हाँ, तो आते हैं मेन टॉपिक में. तो सबसे पहले तो मैं रैंक मोड ही खेलता था, फिर इवेंट मोड आया, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. फिर बाद में मैं खेलने लगा और मेन आईडी पे मैंने बहुत ग्राइंड कर लिया है इस इवेंट मोड पे भी. तो चलो अभी एक मैच रैंक मोड के खेलते और इवेंट मोड की देख के कंपेयर करते. तो अभी इधर मैच लग गया और एक टीम के ऊपर रश मारते हैं और देखते हैं हमको कैसी हीलिंग मिलती है. और शॉट भी नहीं बाई की हमने. ओके, लेट्स गो. तो मैं मारने वाला हूँ ग्रीन टीम में रश और देखूंगा कि कैसे हीलिंग मिलती है. आप सब लोग अपने कमेंट में बताओ आपका कौन सा फेवरेट मोड है, रैंक मोड या फिर इवेंट मोड. मैं इवेंट मोड की भी एक मैच खेल के देख लूँगा, बहुत टाइम हो गया खेला भी नहीं तो उसी बहाने खेल भी लूँगा. इनका बेड अभी तोड़ दिया यार, ये लोग भाग रहे. तू भी मत भाग. कौन आया भाई, लाल का एक बंदा आ गया इधर, इसको भी जल्दी से ले लेते. इसको फ्लेम लगी, आहा बंदा हैंग हो गया अभी. इतने जल्दी मार लेते ना हम इसमें. और एक तो इवेंट मोड में ये भी होता. कौन आया, कौन आया. और एक तो इवेंट मोड में हम ये भी बाय कर सकते एट्रीब्यूट्स, जिससे कि हम लोग थम, अटैक डैमेज, वीकनेस वो सब कुछ ले सकते हैं और इससे भी हमको बहुत हेल्प होती है. ये बंदा है, इसको मैं बाद में लूँगा. तो अच्छा है यार ये रैंक मोड भी. तो अभी चलते हैं हम लोग सीधा इवेंट मोड में. तो अभी हम लोग जल्दी से जा लेते हैं इवेंट मोड में और देखते हैं उसमें कैसा गेम प्ले होता है. बहुत दिनों बाद खेलूँगा तो अभी देखते ही फिलहाल कैसा गेम प्ले होगा उधर. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इवेंट मोड में और मेरा सब कुछ चला गया है, एबिलिटी पेट की, ये सबसे अनोइंग होता है. और इसमें गोल्ड भी चला गया मेरा, मुझे स्टार्टिंग में 48 गोल्ड मिलता है, वो भी चला गया पेट की एबिलिटी से या और टैलेंट से. आई हेट दिस. और ये रहा हमारा गेम नॉट स्टार्टेड. डायमंड बढ़ाने का मतलब एट्रीब्यूट्स बढ़ाने का समझ लो ऐसे ही. तो अभी देखते हैं मैच कब स्टार्ट होगी. ओ हो गई. तो अभी हम लोग मारेंगे ओपोनेंट टीम में रश, येलो टीम में. तो चलो मिलता हूँ आपको येलो टीम में. गाइस इवेंट मोड में ये बहुत घटिया चीज़ है, बहुत टाइम लगता है इसको आने में. हाँ, और इवेंट मोड में एक और अच्छी चीज़ है कि हमको फ्री के आइटम्स भी मिलते हैं, लेजेंडरी प्रॉप्स बोल सकते हैं, एकदम मिडल में. तो वो अच्छा होता है जीतने के लिए, लेकिन कभी कभी वो प्रॉप्स घटिया भी निकल जाते. तो इसको बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे ही रश मार देते. चलो
तो हमारे बेड में प्रोटेक्ट नहीं किया, येलो के ऊपर मेरे टीममेट ने रश मार दिया, और ऐसे ही स्टार्टिंग मिडल में हमको मिलता है आ हा फ्लैश मारो रे इसको। स्टेज ऑफ फ्लैश अब इसमें मैं जल्दी आउट हो सकता हूँ क्योंकि इधर टैलेंट नहीं है, पर लीचिंग तो है ना। अरे यार तू क्या कर रहा है इधर, तेरे को आउट कर देता हूँ जल्दी से। ये गया ब्लॉक्स, अरे ब्लॉक्स ही पाया नहीं क्या, इसे आ गया मैं। ओके तो अभी मेरे पास फ्लैश पर्ल पड़े। अरे रे आगे से भी पीछे से भी पड़ रहा है इसको भाई, अभी टैलेंट होता तो जल्दी से गया होता ये। ओके अरे मैं कितना कूदेगा, गया एक तो फा। ओके तो अभी मिडल में चल देता, और ये रहा अपना लेजेंडरी प्रोप जिसमें दो बंदों ने पहले से ही रश मार दिया है और तीसरा भी बंदा आ चुका है, और मुझे डैमेज पड़ रहा है यार इधर। इसने डायमंड सॉर्ड सॉर्ड बाय कर दिया शायद। अरे यार इधर मैं आउट हो गया हूँ क्योंकि हाथ में ब्लॉक्स ही नहीं है, और अभी आदत भी नहीं है मुझे बस रन्स के खेलने के लिए यार, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ये। आई हेट इवेंट मोड, लेकिन चलो आपके लिए खेल रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं लॉबी में आ चुका हूँ, वो मैच मैंने जीत ली, बड़ी इजी थी, ठीक ठाक तो थी, बंदे आए थे आउट कर रहे थे लेकिन जीत ली कैसे भी करके, पर उसमें ना सिर्फ टैलेंट नहीं था तो मज़ा नहीं आ रहा था, और एक तो ये बीच में भी अब्यूज़ करने लग गए थे। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ रैंक मोड खेलना क्योंकि रैंक मोड में टैलेंट होता है और बहुत कुछ होता है, और उसको खेल के हम लोग आइटम्स भी ले सकते हैं। तो इवेंट मोड मुझे इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें टैलेंट्स नहीं है, और फिर ऊपर से हम पेट की एबिलिटी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मुझे बहुत घटिया लगा इवेंट मोड का। अगर हो जाता कुछ अलग करना चाहिए था उसमें। देख भाई तू ऐसे किसी भी मोड को जज नहीं कर सकता, देख इवेंट मोड में टैलेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, लीचिंग यूज कर, और तुझे सबको पता है कि तू बहुत बड़ा नोबड़ा है, इसलिए टैलेंट हर जगह यूज नहीं होते। इवेंट मोड खेल तुझे भी मजा आएगी, टैलेंट हर जगह मत घुसा, अपना भाषण चुप कर। और गाइस अभी इवेंट मोड में ना क्या होता है, बिना टैलेंट के हम स्किल के ऊपर डिपेंड होते हैं, पूरा स्किल्स चाहिए हमको, जो तुझे आते नहीं तुझसे अच्छे आते हैं। बेटे 3 राउंड हार गया तो ज्यादा मत बोल तू, अभी मैंने सिखाया। तुझसे पहले सीख गया था। ओके भाई तू अभी चुप बैठ। ओके तो मैं तो प्रेफर करता हूँ रैंक मोड, कमेंट में बताओ आपको कौन सा मोड अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा इवेंट मोड ठीक ठाक है, उसमें कुछ अलग चेंजेस आने चाहिए, और टैलेंट भी थोड़ा अच्छा, मतलब टैलेंट को ऐड कर दो फिर अच्छा होगा, और नए चेंजेस डालो। सो ओके गाइज आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉय, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।